prove that A intersection B difference C is equal to A intersection B difference A intersection C. तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसको इसका सबसेट प्रूव करना है और इस साइड को इसका सबसेट प्रूव करना है। तब लिखेंगे, सभी क्वेश्चन में एक ही टाइप से लिखते हैं हम, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का मीनिंग होता है एंड आईडी आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है, नोट करें, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डिफरेंस सी, ये इससे बिलोंग करता है। अब आगे इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब आप इसको खोल लीजिए ब्रैकेट में, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी, सी सेट से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट खोलते ना मल्टीप्लाई, उस टाइप से ऑपरेशन, कुछ ऐसा ही मल्टीप्लाई नहीं है, एक बार इसके साथ भी लिखेंगे, एक बार एक इसके साथ लिखेंगे। इट इम्प्लाई एक्स बिलोंग टू ए एंड x belongs to b and x belong to a and x does not belong to c, समझ गए। अब यहाँ इन दोनों को देखिए, इसमें एंड आइडिया है, तो आप लिख सकते हैं x belong to, जो a से भी करता है b से भी करता है, तो उसके इंटरसेक्शन से जरूर करता ही करता है, a इंटरसेक्शन b तो कॉमन से तो करेगा। एंड अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, x belong to a and x does not belong to, ये आ गया, ये इससे नहीं करता, a से करता है और इससे नहीं करता, c से नहीं करता, तो इसका मतलब इन में कॉमन नहीं आएंगे, तो कॉमन से नहीं करेगा, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन से नहीं करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x does not belong to a intersection c, इनके कॉमन में भी नहीं होगा। अब ये क्या बता रहा है हमें, कि अगर x एक सेट से बिलोंग करता हो दूसरे से ना करता हो तो ये डिफरेंस b से करेगा, तब इसको लिखा जाए x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है, डिफरेंस a इंटरसेक्शन c, यही मीनिंग होता है। अब आप यहाँ से चले थे इसको, यानी कि x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b माइनस c इम्प्लाइज, तो बाय डेफिनेशन सबसेट, तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b माइनस c इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये इस सेट का सबसेट है, ये नंबर वन आ गया। ओके, अब इसी तरह से बैक चलते हैं, हम यह कर लेंगे, राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ और लेफ्ट की, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, आप नोट करो, बड़े आसान हो जाएगा वह इसको लिखना, यानी कि एक किस्म से बैक चले, पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये, फिर ये ऊपर की तरफ, ये देखिए एक्स बिलोंग टू, इसका मीनिंग क्या था, ये इससे बिलोंग करता है और डिफरेंस, यानी कि इससे करेगा इससे नहीं करेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी, इसका मीनिंग तो यही होता है इसका। फिर एक्स बिलोंग्स टू एंड आइडिया है, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, जो कॉमन में है तो दोनों में मिलेगा। एंड एक्स यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ऐसे करता है ऐसे नहीं करेगा, हाईवास की, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया इससे नहीं करेगा, तो आप इसमें ए ए जैसे कॉमन निकालते हैं ना उस टाइप से, वैसे ही एक्स बिलोंग टू ए एंड यहाँ लिखे और एंड लिख करके ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए कॉमन आए बी एंड ये भी बाहर है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी, ये आ गए। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी से करता है सी से, यानी कि बी डिफरेंस सी,
अभिभाषण। अब क्या मतलब होगा इसका, जो इससे ए से करता है, इससे नहीं करता, यानी कि इनके इंटरसेक्शन से करता है। एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ठीक है कि नहीं, एंड आइडिया है, तो इससे करेगा। अब इसे आप वहाँ से लेके चले थे वो लिख दो, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, पर ही आ गया। तो बाय डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ, ये नोट करें, ए इंटरसेक्शन बी माइनस डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। अब ये सेकेंड आ गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये प्रूव हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ये वैसे ही हो जाता है जैसे इसको खोलते ना ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो, फिर इसके साथ करेंगे माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं ये।